आगे बढ़ते हैं बात मौसम की, जहां छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि तापमान में गिरावट से सरगुजा संभाग में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों तक पारा और भी ज्यादा गिर सकता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर से आ रही सर्द हवाएं इसका कारण है, जिसकी वजह से तापमान में कटौती होगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो इसके चलते सरगुजा संभाग में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि तापमान में गिरावट से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। अगले 2 से 3 दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, तापमान में गिरावट और भी ज्यादा दर्ज की जाएगी। उत्तर से आ रही सर्द हवाएं इसका कारण है, जिसके चलते तापमान में गिरावट लगातार शुरू हो चुकी है। जानकारी लेंगे, गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, क्या कुछ ताजा हाल छत्तीसगढ़ के मौसम का? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो ठंड है उसे बढ़ा दी है। लगातार पिछले सप्ताह भर से तूफान और के कारण जो ठंड कम हुई थी, लोगों को गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया था, उसमें एक बार फिर से ठंड ने अपनी कुमारी खोल दी है और सुबह से ही जो है वो मौसम में ठंडक है। यदि हम बात करें तो प्रदेश में सबसे कम तापमान जो है कल का 8.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो अंबिकापुर में दर्ज किया गया था। तो वहीं अलग अलग जगह में जो जिले हैं, अलग अलग संभाग है, वहां पर ठंड में लगातार गिरावट आ रही है। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें तो राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस नापा गया था। तो वहीं जगदलपुर में यदि हम बात करें तो जगदलपुर की 17.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया था। तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस और घट सकता है और लगातार मौसम में जो है वो ठंडक बढ़ेगी। लोगों को अभी तो ठंडक से राहत मिली थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में तेज ठंड का असर जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासकर ऐसे संभाग जो पठारी इलाके हैं, जैसे हम बात कर ले सरगुजा संभाग की, बस्तर संभाग की, उसके साथ साथ कवर्धा जिला जो है, कवर्धा जिले की चिल्फी घाटी में, जहां हर बार ठंड का जो मौसम है वो देखने को मिलता है, बर्फ जम जाती है, जो ओस की बूंदे रहती है वो पूरी तरीके से जम जाती है। तो पठारी इलाकों में जो है प्रदेश में वो अब ठंड बढ़ते जाएगी। सरगुजा संभाग में इसका असर देखने को मिल रहा है, अंबिकापुर में 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट होगी और लोगों को एक बार फिर से ठंड की ठिठुरन से दो चार होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। गौरव शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही सर्द हवाएं एक बार फिर से ठंड बढ़ा रही हैं और फिलहाल 2 से 3 दिनों से राहत थी छत्तीसगढ़ वासियों को, लेकिन अब फिर से तापमान में गिरावट दर्ज शुरू हो चुकी है और अब फिलहाल तो राहत की उम्मीद नहीं है।